हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई पर दोहरी मुसीबत आई है, भारी बारिश तो आई है, साथ में तूफान भी आया। तूफान इतनी तेज रफ्तार से आया कि कई बिल्डिंगों की छत हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, एकदम हकीकत है। मुंबई में बारिश के साथ इतनी तेज हवाएं चली कि इस छत को ही उड़ा दिया। ये तस्वीर ओल्ड पनवेल के साई नगर की है। अब जरा ये अगली तस्वीर देखिए, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, अचानक बिल्डिंग के ऊपर से छत उखड़कर उड़ने लगती है। ये घटना हुई मुंबई के मुसाफिर खाना इलाके में। वो तो गनीमत है कि उसकी चपेट में कोई नहीं आया। तेज हवाओं ने मुंबई के कई इलाकों में इसी तरह कहर बरपाया। ये मुंबई के जसलोक अस्पताल की तस्वीर है। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले गई। बारिश के साथ आए तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम को। यहां दर्शक दीर्घा की छत तूफान में उड़कर नीचे आ गिरी। तस्वीरें बता रही हैं कि इससे स्टेडियम को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हैशटैग मुंबई और एबीपी के जरिए जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आपके इलाके में अगर आप मुंबई में हैं तो क्या स्थिति है। हमारी कोशिश ये है कि इस बड़ी कवरेज में केवल हम खबर न दिखाएं, आप भी हमारे साथ अपनी तस्वीरें साझा करें। तूफान का असर मुंबई में कई तरह से देखने को मिला है। जगह जगह पेड़ उखड़ गए और पेड़ गिरने से क्या हुआ जानते हैं? हुआ ये कि उन पेड़ों के नीचे खड़ी गाड़ियों की शामत आ गई। ऐसा प्रचंड तूफान आया कि इस भारी भरकम पेड़ ने सरेंडर कर दिया और जड़ समेत उखड़ गया। ये तस्वीर मुंबई के अरिहंत टावर की है। तेज आंधी के बीच पेड़ दादर शिवाजी पार्क में भी गिरे, उनकी चपेट में आकर कुछ गाड़ियां और कुछ बाइक दब गईं। इस समय हम दादर शिवाजी पार्क इलाके में मौजूद हैं और आप सामने देख सकते हैं कि एक विशालकाय पेड़ जो है वो तेज हवा के कारण गिर चुका है। सड़क किनारे मौजूद दो चार से पांच बाइक और स्कूटीज मौजूद थी वो इस पेड़ के नीचे दबी हुई हैं। आपको दूसरी ओर का दृश्य हम दिखाएंगे तो साफ तौर पर नजर आएगा कि यहाँ पर जो बाइक हैं वो इस पेड़ के नीचे दबे हुए हैं, जो सड़क किनारे ग्रिल लगाए गए थे वो भी टूटकर गिर चुके हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, दो पेड़ उखड़कर गिरे तो टैक्सी और दूसरी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान से पेड़ गिरा तो उसकी चपेट में आने से पुलिस की गाड़ी भी नहीं बच पाई। ये मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके की तस्वीर है। तूफान इतना तेज था कि कई जगह पेड़ गिरे और शामत आई उनके नीचे खड़ी गाड़ियों की। मुंबई के काला चौकी इलाके में पेड़ गिरा तो गाड़ियों के ये हाल हो गए। तो मुंबई की बारिश पर हमारी संवेदनशील कवरेज लगातार जारी है। हैशटैग मुंबई ऑन एबीपी के जरिए अपने फोटोज और वीडियोस हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ कवरेज न करें बल्कि आप तक हर संभव मदद पहुंचे। मुंबई में रहने वाले अब तो बारिश के नाम से ही डरने लगे हैं। डर इसलिए क्योंकि मुंबई की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डराती। सड़कें जब समंदर बन जाए, गलियां जब नदियां बन जाएं, घर से बाहर निकलना दूभर हो जाए, कमर भर पानी रास्ता रोक खड़ा हो जाए, तो
समझ लीजिए शहर में कयामत आ चुकी है। ये किंग सर्कल की तस्वीरें हैं। सड़क समंदर बन चुकी है, लबालब पानी भरा है। पानी इतना है कि गाड़ियों के पहिए डूबे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन लोगों को हुई जिनकी बाइक पानी की वजह से बंद हो गई। एक तूफान ऊपर से बाइक को घसीट कर ले जाना पड़ा। हिंद माता इलाके में तो इससे भी भयानक तस्वीर दिखी। सड़क पर करीब 4 फीट पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग कमर भर पानी में डूबकर सड़क पार कर रहे हैं। जान दांव पर, क्योंकि अगर किसी खुले मेन हॉल के ऊपर कदम पड़ा तो जान बचनी बेहद मुश्किल है। गिरगांव में भी ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था समंदर शहर में घुस गया है। जहां तक नजर जा रही थी बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। मरीन ड्राइव, जो मुंबई के सबसे ज्यादा पॉश इलाकों में से एक है, यहां भी पानी ही पानी दिख रहा था। सड़क, दफ्तर या घरों के आसपास कोई ऐसा हिस्सा नहीं दिखा जहां पानी ना हो। ये अंधेरी सबवे है। रोजाना इससे कई हजार गाड़ियां और लोग गुजरते हैं, लेकिन बारिश ने इसका भी हाल बेहाल कर दिया। कम से कम 4 फीट पानी इस सबवे में भर गया, जिसके बाद से ये सबवे बंद हो गया। भिंडी बाजार का भी बड़ा बुरा हाल दिखा। यहां तो ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर नदी बह रही हो। पानी के बीच ही लोग आने जाने को मजबूर। कुछ मिनट में आ गया है बाढ़ के पानी में डूबे हुए मंदिर।